ना वो हमारी हिरासत में हैं, ना वो पाकिस्तान के किसी इदारे की हिरासत में है। वो इस टाइम हमने 2-3 रेड्स कंडक्ट किए थे रात भी, जहाँ पे हमें शक था कि वो मौजूद होंगे वो वहाँ पे नहीं थे, और अभी भी हमने काफ़ी हद तक नाकाबंदी की हुई है कि वो जैसे ही पुलिस ने 3-4 जगहों पे जहाँ पे भी हमें मिले वो डेफिनेटली जो पुलिस की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी। और वो आपको मैं तस्वीरें शेयर कर सकता हूँ कि जिस टाइम रेड अभी शुरू हो रहा था उस टाइम पे वो मेन दरवाज़े से भाग गए थे, और उसकी सारी एविडेंस हमारे पास मौजूद है। अपने वो केपी हाउस में मौजूद नहीं है, और उनकी भागते हुए तस्वीरें भी मौजूद हैं। वो अभी गवर्नर साहब भी आपके साथ बात करेंगे और आपको डिटेल बताएंगे, लेकिन हम आपको कंफर्म कर रहे हैं कि ना वो पुलिस की हिरासत में है, ना वो किसी और इदारे की हिरासत में है। वो खुद भागे में है, और डेफिनेटली मुझे नहीं पता कि उनको क्या वो है, किस वजह से, लेकिन डेफिनेटली अगर वो इस्लामाबाद की टेरिटरी में हुए तो हम उनको ज़रूर इस्लामाबाद पुलिस उनको ज़रूर ढूंढ रही है। क्या मुल्क कशीदगी की तरफ नहीं जा रहा? क्या जो कल हालात पैदा हुए जिस तरह एक कांस्टेबल शहीद हुआ, तो इसको सर कोई और तरीका नहीं है हल करने का? आप बता दें उनके साथ जो धावा बोले, आपके घर पे कोई आगे हमला करे तो आप करेंगे, मैं नहीं कर सकता। अच्छा ये बता दीजिए कि मोहसिन नकवी साहब दाखिल हुई था, शहीद हुए और मुतअद्दद ज़ाहिर बताया जा रहा है कि जख्मी भी हैं, अब तक मुकदमा सर दर्ज किया गया और कौन सी दफा शामिल की जाएंगे और किन के खिलाफ? आपके साथ अभी थोड़ी देर में हम FIR शेयर कर लेंगे। सर ये बताइएगा कि रेंजर जो है वो KPK हाउस में दाखिल हुई, तो उस हवाले से कोई इंक्वायरी की जा रही है? उस कत्ल ये पुलिस फैसला करेगी, पुलिस फैसला करेगी, जो जो मुलव्वस है उसमें नामजद होगा, उसका फैसला पुलिस करेगी। सर अभी तक जो भी एहतजाज हुआ है गंडापुर, उसमें आए हैं, शिरकत की है, लीड किया और अचानक से गायब हुए हैं, फिर जाके KP से बयान देते हैं कि इस बार भी इस तरह तो नहीं होगा कि अचानक निकल गए? देखें अगर वो KP इस टाइम पहुंच गए हैं या नहीं पहुंचे मुझे इसका पता नहीं है, लेकिन हम ढूंढ रहे हैं, ये इस्लामाबाद पुलिस ढूंढ रही है, और इनकी कोशिश है कि उनको यहाँ पे अगर हैं तो ज़रूर। अफगान शहरी मुलव्वस पाए गए हैं, अफगान शहरी और नाम जो है वो पश्तूनों का इस्तेमाल करे, जो अफगान शहरी यहाँ पे गैर कानूनी तौर पर मुकीम है, उनके खिलाफ क्यों नहीं क्रैकडाउन कर रहे हैं उनके खिलाफ? आप अगले आने वाले दिनों में देखें, मैंने तो काफ़ी सबक सीखा है। अगले घंटों में इंशाल्लाह क्लियर मिलेगा। और उसकी कत्ल की डेथ की वजह क्या बनी है? बुलेट तो नहीं लगी? आपको सारी डिटेल बताएंगे, ऑलरेडी ये FIR कर रहे हैं, मेरे पास डिटेल है, लेकिन बेहतर है पुलिस वाले IG साहब मेरे ख्याल में 4 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे, उसमें इन्होंने और भी कुछ एविडेंस आपको दिखानी है तो उसमें आपको सारा पता। साहब जो आप ढूंढ रहे हैं अली अमीन गंडापुर को, किस केस में आपको मतलूब है? वो जो कल वारंट जारी हुए हैं या कोई और केस? वारंट का मुझे नहीं पता है, बट जो मतलूब है वो इन इस्लामाबाद से रिलेटेड केस में मतलूब है। आपको बाकी डिटेल बाद में बताएंगे।